वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा उन जातकों की जिनका जन्म जनवरी महीने की 9, 18 या 27 जनवरी को हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिनका जन्म 9, 18 या 27 जनवरी को जिन जातकों का जन्म हुआ है, आज उन जातकों के विषय में मैं चर्चा करूंगा, उनके स्वभाव, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके हेल्थ की स्थिति के बारे में बहुत स्टीक चर्चा मैं करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका किस सन में जन्म हुआ है आपको नहीं पता, आपका जन्म का टाइम क्या है आपको नहीं पता, सिर्फ आपको अपने जन्म की तिथि पता है, तो मात्र इतने से ही काम चल जाएगा और आपके लिए ये वीडियो आपके लिए होगी। अगर आपको इतना पता है कि मेरा जन्म 9 जनवरी का है या 18 जनवरी का है या 27 जनवरी का है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपके जीवन में दोस्तों ऐसे अस्थिर जीवन आपका होता है जहाँ पर उन परिस्थितियों में आप फंसते हैं, उन परिस्थितियों में आप रहते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर जानें कि आप उन परिस्थितियों और उन घटनापूर्ण चक्रों में कुछ ऐसे भाग्य के अधीन बंध कर रहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। अगर उन परिस्थितियों पर नियंत्रण होता भी है तो बहुत कम होता या बिल्कुल ही नहीं होता है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जो भी काम ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18, 27 जनवरी को हुआ है, जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं और रास्ता बना लेते हैं, लेकिन कुछ भाग्य की ऐसी विडंबना कहें कि इनके जीवन में अप एंड डाउन लगा ही रहता है। कभी तो लगता है कि सारा कुछ इनके फेवर में चल रहा है और अगले पल सारा कुछ इनके उल्टा हो जाता है, लगता है कुछ भी इनके फेवर में नहीं है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण प्राय ऐसे जातकों को देखना पड़ता है जिनका जन्म जनवरी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो। दोस्तों ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18 या 27 जनवरी को हुआ है, उनके बारे में एक विशेष बात और बता दूं मैं कि अगर इनका जन्म किसी संपन्न घराने में, संपन्न परिवार में नहीं हुआ है, तो इनकी प्रारंभिक जो अवस्था है, प्रारंभिक जीवन में फिर कहता हूँ, उसे कहता हूँ कि 70 साल एक आदमी की औसत आयु अगर हम मानते हैं तो उसका हाफ 35 ईयर, तो ये 35 ईयर तक उन जातकों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं अगर इन्होंने किसी संपन्न परिवार में जन्म नहीं लिया है तो, और इन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कई ऐसे कार्यों को करना पड़ता है 35 साल की उम्र तक, जो कि कार्य इनको अप्रिय लगते हों, ऐसे कार्य भी जो काम इनको प्रिय नहीं लगते, ऐसे कामों को भी इन्हें करना पड़ता है यदि ये संपन्न परिवार में ऐसे जातक का जन्म नहीं हुआ तो। इनकी प्रारंभिक जो इनका जीवन है वो इतना आसान नहीं होता, वो बहुत कठोर और बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों ऐसे जातक जिनका जन्म जनवरी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो, ऐसे जातकों में साहस और आत्मविश्वास यानी कि विल पावर बहुत ज़्यादा होती है और इस विल पावर के बल पर यह जीवन संग्राम में इनको जो है बहुत ज़्यादा
इसका लाभ मिलता है कि वो अपने जीवन में फाइट अच्छी तरह कर पाते हैं। एक और खास बात दोस्तों, ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18 या 27 जनवरी को हुआ है, ऐसे सभी जातक बहुत एम्बिशियस भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत उच्च महत्वाकांक्षा भी होती है इनकी, और इन्हें तब तक संतोष नहीं मिलता जब तक ये अपने जितने भी दोस्त साथी होते हैं उनसे अलग एक ऊंचा मुकाम जिंदगी में ना प्राप्त कर लें। तब तक इन्हें मन में चैन नहीं आता, ये अपने आप को, इनके मन को सुकून तब तक नहीं मिलता। ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18 या 27 जनवरी को हुआ है दोस्तों, ऐसे जातक बहुत दुस्साहसी भी होते हैं। एक तो होता है साहस, एक होता है दुस्साहस, यानी साहस की प्रकाष्ठा। ऐसे सभी जातकों में साहस की प्रकाष्ठा होती है और जिसके कारण जीवन में तरह तरह के संकटों का इनको सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे जातक जिनका जन्म जनवरी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, ये सभी जातक बहुत मेहनती होते हैं, अति मेहनत पसंद जातक। ये किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। इस कारण से किसी भी व्यवसाय को अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें ये प्रायः सफल हो जाते हैं। लेकिन एक प्रवृत्ति इनमें होती है, दाव लगाने की प्रवृत्ति। अगर ऐसा जोखिम ये लेते हैं तो वो दाव लगाने की प्रवृत्ति, जैसे एकदम पैसा कहीं लगा देना, इन्वेस्ट कर देना, ये इनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वहाँ से अधिक लाभ मिल जाएगा। ये ऐसी प्रवृत्ति पर ऐसे जातकों को अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो इनकी ये प्रवृत्ति इनको नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों। एक विशेष बात मैं यहाँ और कह दूँ दोस्तों कि जिनका जन्म 9, 18 और 27 जनवरी को हुआ है, ये स्वभाव से जिद्दी भी होते हैं, हठ्ठी भी होते हैं और बहुत जल्दी क्रोध में आने वाले होते हैं ऐसे जातक। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जातक जिद्दी भी होते हैं, हठ्ठी भी होते हैं और बहुत शीघ्र क्रोधित होने वाले भी होते हैं, जिस कारण अनजाने में ही ये अपने अनेक शत्रु बना लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और बुढ़ापे में ये झूठे लोगों के चक्र में फंसकर बदनामी भी उठा सकते हैं, जिसलिए ये सावधान रहें कि कहीं गलत लोगों के चक्कर में अपने बाद के वर्षों में, जीवन के बाद के वर्षों में बदनामी ना उठा लें। इस चीज़ से ये सावधान रहने की इनको बहुत आवश्यकता है दोस्तों। बात करूं दोस्तों कि इकोनॉमिकली कंडीशन इनकी कैसी रहती है, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ऐसे जातक जिनका जन्म 9, 18, 27 जनवरी को हुआ है, वो जातक जो हैं उनके पास मध्य आयु के बाद, यानी 35 वर्ष की आयु के बाद, बहुत बड़ी अच्छी खासी रकम इन्हें विरासत से, अपने पद से, अपने काम से, अपने बिजनेस से इन्हें प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप लिख लें, गारंटी के साथ लिख लें कि ऐसे जातकों को मध्य आयु के बाद अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने जॉब से या विरासत से इन्हें बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छी मात्रा में धन संपत्ति इनके पास आ जाती है। लेकिन इस रकम को और इस धन को वो कैसे संभालें, कैसे रखें, इसमें उन्हें बहुत बुद्धिमत्ता
और सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है, अन्यथा ये उस रकम और उस धन को अपने हाथों से गवा भी लेते हैं। मैं गवा लेता लेते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ गवा भी लेते हैं यदि उन्होंने बुद्धिमत्ता और सावधानी नहीं का सावधानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो जो धन इन्हें विरासत में अपने बिजनेस में अपने काम से प्राप्त ये करते हैं अपनी मध्य आयु के बाद, वो गवा बैठते हैं। इसलिए उन्हें इस चीज़ की बहुत सावधानी बरतनी है कि किसी गलत जगह पैसे को इन्वेस्ट ना करें और अपने पैसे को बहुत सावधानी पूर्वक अपने आगे के समय के लिए संभाल कर रखें। बात करूं दोस्तों कि ऐसे जातकों के हेल्थ की जिनका जन्म 9, 18 या 27 जनवरी को हुआ है, तो इनकी हेल्थ के बारे में मैं इतनी बात कह दूं कि इनकी जो फिजिकली ये स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली ये स्ट्रांग होते हैं और छोटी मोटी ये बीमारियां इनके पास प्राय नहीं आ पाती और लंबी उम्र तक इनका शरीर ऐसा ही बना रहता है। बस एक तो ये सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा विश्राम को अपने जीवन में जरूर स्थान दें और आराम किस समय करना है इसका एक नियम बना लें। यदि ये अपने शरीर को और दिमाग को फिजिकली और मेंटली रेस्ट देना ज़िंदगी में सीख गए तो ठीक है, अन्यथा इसका जो बोझ है जो ये काम करते हैं बगैर विश्राम लिए, उसका दिल पर असर होता है और बगैर किसी बीमारी की चेतावनी के अचानक इनकी फिर मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन्हें अपने जीवन में काम के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विश्राम को भी पूरा महत्व देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो ये वीडियो है, अब मैं चर्चा करूँ थोड़ी सी और, लंबी वीडियो होती जा रही है, तकरीबन 13 मिनट हो गए हैं वीडियो को। मैं इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं को ले रहा हूँ, विस्तार में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ चर्चा ये करूँगा कि आपके लिए वो कौन से शुभ रंग हैं जिससे आप इस्तेमाल करें उन रंगों के वस्त्रों को, जिससे कि वो जातक जिनका जन्म 9, 18, 27 जनवरी को हुआ है उनके लिए शुभ फल देने वाले हों। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में यदि वो गुलाबी और लाल रंगों को अधिक से अधिक उपयोग में लेते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक उपयोग में लेते हैं, तो ऐसे जातकों का जीवन बहुत सुखकर हो जाता है, बहुत सुखमय हो जाता है, जिनका जन्म 9, 18 या 27 जनवरी को हुआ होता है। इसलिए ऐसे जातकों को लाल या गुलाबी रंगों के वस्त्रों का अपने जीवन में अधिक से अधिक इन रंग के वस्त्रों को स्थान देना चाहिए। जैसे अगर वो मेल हैं तो शर्ट हमेशा लाल या गुलाबी रंग की अधिक से अधिक पहने, यदि फीमेल हैं तो वो उनके टॉप या टी शर्ट का या सूट का जो कलर है ज़्यादा वो लाल या गुलाबी रखें, या लेडीज हैं तो साड़ी पहनती हैं तो उन्हें लाल और गुलाबी कलर में साड़ी पहननी चाहिए। तो ये एक मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी 9, 18 और 27 पर आप लोगों को दी, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ
होगा। दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए अजीत का आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य के खाते को बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।